सो फाइनली दोस्तों Realme 6 डिवाइस के लिए भी Realme UI 2.0 का अपडेट जो कि Android 11 बेस अपडेट कल से रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। फिलहाल के लिए दोस्तों जो अपडेट है अर्ली एक्सेस के बेसिस के ऊपर मतलब कि ट्रायल बेसिस के ऊपर काफी सारे लोगों को कल से रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। जो जो लोगों ने देखेंगे ट्रायल बेसिस के ऊपर अप्लाई किया उन लोगों के लिए देखेंगे साथ ही साथ Realme UI का 6.01 का लेटेस्ट अपडेट जो कि 2.8 GB के आसपास फर्स्ट अपडेट फाइनली रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली कि Realme 6 डिवाइस के अंदर Realme UI 2.0 विद Android 11 को इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन से मेजर चेंज लॉग देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से वो टॉप फीचर्स मिल जाते हैं जो कि Android 11 बेस फीचर्स है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस अगर आपके पास Realme 6 या फिर Realme के यूजर्स है सो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ये सारे फीचर्स आपके भी फोन में मिलने वाले। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके बस एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। सो गाइस फाइनली Realme 6 डिवाइस के लिए देखेंगे Realme UI 2.0 का अपडेट जो कि Android 11 बेस अपडेट कल से रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों एक ट्रायल बेसिस के ऊपर अपडेट मिलना चालू हो चुका है जो कि एक बीटा अपडेट है एंड फर्स्ट अपडेट है जो कि 6.01 का लेटेस्ट वर्जन है। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको जनवरी मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है जो कि आपको 5 जनवरी का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। एंड साथ ही में आपको एक मेजर एंड्रॉइड का वर्जन भी मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 10 से सीधा आपको एंड्रॉइड 11 का मेजर अपग्रेड भी देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों Android 11 बेस काफी सारे फीचर्स है जो कि आपको इस अपडेट के बाद भी देखने को मिल जाता है जो कि मैं आपको सारे के सारे वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करें कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि आपको Realme UI 2.0 की खासियत है जो कि इसके पहले आपको देखने को नहीं मिले थे। सबसे पहले दोस्तों अपडेट इंस्टॉल करने के बाद अगर हम देखेंगे लेआउट मतलब कि होम स्क्रीन है उसके बाद जो भी यूजर इंटरफेस है यह पर काफी चेंज हो चुका है। नोटिफिकेशन पैनल से लेके होम स्क्रीन लेआउट है रिसेंट मेन्यू है काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस सबसे फर्स्ट चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको नोटिफिकेशन पैनल टोटली चेंज हो चुका है। इससे पहले आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा नोटिफिकेशन पैनल मिलता था लेकिन दोस्तों इस नोटिफिकेशन पैनल को आप बैकग्राउंड में देखेंगे थोड़ा सा ब्लर किया गया है एंड जो भी नोटिफिकेशन पैनल उसको हाईलाइटेड किया गया है। साथ ही दोस्तों जो भी स्विच टॉगल से मतलब जो भी फंक्शन अगर उसको जो शेप से वो भी चेंज करना है तो उनका भी शेप्स यहाँ पर आगे चल के चेंज कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात करेंगे जो कि Realme UI 2.0 के बाद काफी बेटर अट्रैक्टिव आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे होम स्क्रीन लेआउट है जितने सारे एप्लीकेशन से काफी अट्रैक्टिव मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको जो भी सिस्टम लॉन्चर है मतलब कि ऐप ड्रॉवर है वो भी काफी स्मूथ मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे होम स्क्रीन लेआउट मतलब कि जो भी शॉर्टकट्स है जैसे कि होम स्क्रीन शॉर्टकट देखेंगे जो कि वॉलपेपर का सेटिंग्स है उसका जो यूजर इंटरफेस है वो भी चेंज किया गया है। साथ दोस्तों बात करेंगे जो भी विजेट्स है विजेट्स का भी यूजर इंटरफेस चेंज किया गया है। तो होम स्क्रीन का जो भी लेआउट है मतलब कि जो भी यूजर इंटरफेस है वो भी यहाँ पर इस टाइप से चेंज किया गया है। इसके साथ दोस्तों बात करेंगे होम स्क्रीन में जो भी एप्लीकेशंस रहते हैं उनका जो भी लेआउट रहता है मतलब कि 4:6 या फिर 5:6 जो भी आपको सेट करना है तो भी आप आसानी से सेट कर सकते हैं लेकिन इसका जो भी यूजर इंटरफेस है वो भी चेंज किया गया है। सो गाइस होम स्क्रीन लेआउट में जितने सारे शॉर्टकट्स है मतलब कि शॉर्टकट का यूजर इंटरफेस इस टाइप से चेंज किया गया है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे रिसेंट मेन्यू मतलब जो भी रिसेंट पैनल है वो भी आपको हॉरिजॉन्टल टाइप का देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों नीचे के सर में देखेंगे आपको उसके छोटे छोटे आइकॉन्स भी देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों स्वाइप करने में देखेंगे काफी मजा आता है मतलब काफी क्विकली एक टैब से दूसरे टैब में काफी क्विकली स्विच हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में जो कि अपने फीचर्स सैमसंग के वन यू 3.0 में देखा होगा। सो गाइस सेम टू सेम वही फीचर्स आपको Realme UI 2.0 में भी देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों अगर आपको रिसेंट टैब मतलब कि रिसेंट मेनू में जो भी टैब्स है अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो फ्लोटिंग विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करने के साथ साथ अगर आपको मिनी विंडो में कन्वर्ट करना है तो मिनी विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको रिसेंट टैब में जाना है एंड रिसेंट टैब में जाने के बाद 2 डॉट के ऊपर क्लिक करना है उसके नीचे देखेंगे आपको एक मिनी विंडो का फीचर मिल जाता है। तो किसी भी टैब का आप देखेंगे इजिली फ्लोटिंग विंडो या फिर मिनी विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो Realme UI 2.0 का काफी अमेजिंग फीचर्स इस बार आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेटिंग में आपको कौन कौन से मेजर चेंज लॉग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस Realme UI 2.0 को इंस्टॉल करने के बाद सबसे फर्स्ट चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको पर्सनलाइजेशन की सेटिंग मिल जाती है। जी दोस्तों पर्सनलाइजेशन की जो सेटिंग्स आपको सेम टू सेम ColorOS 11 जैसा आपको सेम टैब देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों पर्सनलाइजेशन की सेटिंग में
जाने के बाद फर्स्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको थीम्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस थीम्स के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली थीम स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाता है। एंड दोस्तों थीम स्टोर पर रिडायरेक्ट होने के बाद आपको जो भी थीम्स पसंद आती है तो उन थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड टैब के बारे में, जो कि आपको वॉलपेपर का टैब मिल जाता है। एंड वॉलपेपर के टैब में जाने के बाद आपको जो भी वॉलपेपर्स पसंद आता है तो उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टैब के बारे में बात करेंगे, जो कि आप देखेंगे आइकॉन के जो शेप्स रहता है, आइकॉन की शेप चेंज करने का टैब रहता है। एंड इस फीचर्स के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन पर्सनलाइजेशन की सेटिंग में इस फीचर को ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, मतलब नेक्स्ट टैब के बारे में, जो कि आपको ऐप का लेआउट रहता है, मतलब कि 4:6 या फिर 5:6 जो भी आइकॉन को जो लेआउट चेंज करना है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि आपको कलर्स रहते हैं, मतलब कि जो भी सिस्टम के आइकॉन्स के कलर्स रहते हैं या फिर जो भी स्विच टॉगल्स के कलर्स रहते हैं। सो गाइस अगर को जो भी कलर्स पसंद आता है तो उसको कलर्स को सेट कर सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट मतलब कि मल्टी कलर सेट करना है तो मल्टी कलर उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट टैब के बारे में, मतलब कि पर्सनलाइजेशन के सेटिंग में, जो कि नेक्स्ट टैब आता है, जो कि आप देखेंगे फॉन्ट्स या फिर जो भी डिस्प्ले का साइज है वो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इन फंक्शन में देखेंगे डिस्प्ले की जो साइज है आसानी से चेंज कर सकते हैं। एंड जो भी आपको फॉन्ट पसंद आता है तो फॉन्ट का भी आप साइज चेंज कर सकते हैं, फिर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फंक्शंस के बारे में, जो कि आप देखेंगे नोटिफिकेशन पैनल का जो भी स्विच टॉगल्स है, तो सारे स्विच टॉगल्स के जो भी आइकॉन्स है उनको यहाँ पर शेप भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस नोटिफिकेशन पैनल के जो भी आपको आइकॉन्स है उनका शेप चेंज करना है तो यहाँ पे जाने के बाद इस फंक्शन के जरिए नोटिफिकेशन ड्रॉअर के जितने सारे आइकॉन्स है उनके यहाँ पर आइकॉन की साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इतने सारे आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि सारे के सारे आपको पर्सनलाइजेशन की सेटिंग में मिल जाता है, जो कि इस बार रियलमी वे 2.0 में ऐड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉग, मतलब अगले छोटे से फीचर्स के बारे में, जो कि आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर मिल जाता है। सो गाइस होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में जाने के बाद नीचे के साइड में देखेंगे आपको शो ऐप सजेशन का फीचर मिल जाता है। सो गाइस इस फीचर को इनेबल करके देखेंगे जो भी अपना सिस्टम लॉन्चर है, मतलब ऐप ड्रॉअर है, उसका ओपन करने के बाद देखेंगे ऊपर के साइड में जितने सारे अपने एप्लीकेशन यूज किए थे, मतलब रिसेंट एप्लीकेशन यूज किए थे, तो शो ऐप सजेशन की वजह से आप देखेंगे टॉप के साइड में आपको सारे सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन आपको बस यही छोटा सा फीचर मुझे देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आने के बाद सबसे फर्स्ट चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको डार्क मोड एंड लाइट मोड ऐसे दो कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों डार्क मोड में देखेंगे कलरOS 11 जैसा सेम टू सेम आपको कस्टमाइजेशन के फीचर ऐड किए गए हैं। सो गाइस अगर आप डार्क मोड को ऑन करेंगे तो डार्क मोड को ऑन करने के बाद देखेंगे नीचे के साइड में काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ऑटो स्विच का भी फीचर्स है, मतलब कि ऑटोमेटिकली ऑन या फिर ऑफ करने का फीचर्स है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डार्क मोड के सेटिंग में जाएंगे तो आपको तीन मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एनहांस, मीडियम एंड जेंटल। सो गाइस अगर को डार्क मतलब कि प्योर डार्क मोड चाहिए तो एनहांस को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई मीडियम चाहिए तो मीडियम के ऊपर डार्क मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको जेंटल मतलब कि लाइट ग्रे टाइप अगर आपको हल्का सा डार्क मोड को सेट करना है तो जेंटल मतलब कि लाइटली आपको डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, मतलब जो भी होम स्क्रीन का वॉलपेपर है ऑटोमेटिकली डार्क मोड में मतलब कि डिमर लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद आइकॉन्स के जो भी डार्क मोड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है अगर इनेबल करना तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी देखेंगे डार्क मोड भी इनेबल करके रख सकते हैं। सो गाइस ये जो डार्क मोड एंड उसके कस्टमाइजेशन के फीचर्स है सेम टू सेम आपको कलरOS 11 जैसे मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ये फीचर आपको रियलमी वी 2.0 में ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको सीधा का सीधा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में मिल जाता है। सो गाइस हम जाएंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। सो गाइस नोटिफिकेशन में जाने के बाद सबसे फर्स्ट कैटेगरी में देखेंगे मैनेज नोटिफिकेशन। सो गाइस मैनेज नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको बबल्स मतलब कि एंड्रॉइड 11 का चैट बबल का भी फीचर्स ऐड किया गया है, इसे हम यहाँ पर कन्वर्सेशन बबल भी कह सकते हैं। सो गाइस अपने फोन्स में जितने सारे चैटिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सिग्नल एप्लीकेशन है या फिर जो भी फेसबुक का मैसेंजर है, उन सारे के लिए आप देखेंगे उसको चैट बबल इनेबल करके रख सकते हैं। सिंपल आपको चैट बबल को इनेबल करना है। उसके बाद दोस्तों जितने सारे एप्लीकेशन है मैनेज नोटिफिकेशन में जाने के बाद एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है एंड उन एप्लीकेशन का भी देखेंगे अगर आपको सेट करना है मतलब कि चैट बबल उन एप्लीकेशन को सेट करना है तो उनको भी इनेबल करके रखना है, ताकि आपको उस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेस सिलेक्ट करना है, ताकि आपको जितने सारे मैसेज आएंगे ऑटोमेटिकली चैट बबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टेटस बार की जो सेटिंग्स अगर कोई चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे टाइम में अगर आपको सिर्फ टाइम एंड मिनट शो करना है तो यहाँ पर शो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हर से मिनट्स उसके बाद सेकंड्स अगर को भी शो करना है तो भी शो कर सकते हैं। तो ऊपर के साइड में देखेंगे अगर आपको ऐसा फीचर इनेबल करना है तो उसको भी इनेबल करके रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्टेटस बार में अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन के जो भी आइकॉन्स है मतलब आइकॉन्स अगर आपको ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो उनको भी डिसेबल करके रख सकते हैं। सो गाइस नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करने के बाद देखेंगे स्टेटस बार में जितने सारे
अकाउंट्स है, मतलब कि स्टेटस बार के जितने सारे अकाउंट्स है, सो कि अगर कोई जो भी अकाउंट्स डिसेबल करके रखना है तो उसको डिसेबल करके रख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसके बाद सब बात करेंगे अगले चेंज लॉक के बारे में, जो कि आपको कन्वीनियंस टूल्स के अंदर थोड़े से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। मतलब दोस्तों कन्वीनियंस टूल्स को ओपन करके देखेंगे तो जो भी आपको यूजर इंटरफेस है ये पर हल्का सा चेंजेस देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों कन्वीनियंस टूल्स के अंदर जितने सारे फीचर्स है जैसे कि नेविगेशन है, उसके बाद गेस्चर एंड मोशन है, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन शॉट्स है, तो जो भी फीचर्स है आपको वही के वही सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों कन्वीनियंस टूल्स के अंदर एक छोटा सा फीचर, मतलब एक नया फीचर ऐड किया गया जिसे हम कह सकते हैं क्विक रिटर्न बबल्स। जी दोस्तों, अगर आप एक गेमर से एंड दोस्तों गेमिंग खेलते वक्त अगर आपको बाय डिफॉल्ट मतलब कि इमरजेंसी होम बटन को प्रेस करना है, सो जो होम बटन को प्रेस करने के बाद आपका जो भी बड़ा स्क्रीन था ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा बबल्स में। एंड दोस्तों बबल्स में कन्वर्ट होने के बाद देखेंगे आपको जो भी काम करना है उसको काम को कर सकते हैं। एंड बाद में उस क्विक रिटर्न बबल के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो जो भी आपका ओरिजिनल पोजिशन का स्क्रीन था वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो काफी अमेजिंग फीचर यहाँ पर इनेबल हो चुका है जो कि क्विक रिटर्न बबल का फीचर्स है। इसके बाद बात करेंगे बैटरी स्टेटस के बारे में, सो जो बैटरी में देखेंगे कुछ फीचर्स आपको पहले से ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से एक शानदार फीचर है जिसका नाम है ऐप क्विक फ्रीज। मतलब दोस्तों अगर आपका जो एप्लीकेशन है ज्यादातर बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी को ड्रेन करता है तो उसको बैकग्राउंड में बंद करके रख सकते हैं, मतलब कि फ्रीज करके रख सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन अगर आपको सिलेक्ट करके रखना है तो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेटिंग में सबसे लास्ट फीचर मतलब की मॉडिफिकेशन जो की आपको रियलमी लैब के अंदर देखने को मिल जाता है। सुबह जो रियलमी लैब को ओपन करके देखेंगे तो रियलमी लैब का जो यूजर इंटरफेस है पर चेंज किया गया है। एंड दोस्तों रियलमी लैब के अंदर एक छोटा सा फीचर को ऐड किया गया जिसका नाम में स्लीप कैप्सूल। मतलब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपना फोन आपके ऊपर ज्यादा डिस्टर्ब ना करे तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए देखेंगे अपने फोन के ऊपर स्लीप मोड में स्विच ऑन करके रख सकते हैं। सो गाइस उस पर्टिकुलर टाइम के पीरियड में आपका जो फोन यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा तो आप उस फोन के ऊपर यूज नहीं कर पाएंगे। तो रियलमी लैब के अंदर फिलहाल के लिए स्लीप कैप्सूल का नया फीचर भी ऐड किया गया जो की आपको आगे चल के सेटिंग में ऐड होने वाला है। सो गाइस सेटिंग में देखेंगे रियलमी यू 2.0 को इंस्टॉल होने के बाद काफी सारे नए नए फीचर्स ऐड किए गए। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बस इसी रियलमी 6 के रियलमी 2.0 विद एंड्रॉइड 11 के फुल चेंज लॉक फीचर्स का फुल रिव्यू देने वाला था। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।